केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की कल समीक्षा की। रविवार को उन्होंने एक अहम बैठक ली। शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश उन्होंने दिया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रैलियां रद्द करके वो लौटे और तुरंत बाद ये समीक्षा बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ मणिपुर में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर क्या स्थिति है उसकी पूरी समीक्षा की और शांति सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है उसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि शाह आगे के कदमों पर शीर्ष अधिकारियों के साथ आज फिर एक विस्तृत बैठक करेंगे, यानी कि लगातार मणिपुर पे बैठकें होती रहेंगी। केंद्र सरकार स्थिति को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। पिछले साल मई महीने में भड़की ये हिंसा और सरकार की ओर से ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के शव बरामद होने के बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसा की वजह से स्थिति अस्थिर बनी हुई है। आपको बता दें, मणिपुर पिछले साल मई से ही जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। उपद्रवियों ने बीजेपी विधायक के घर में आग लगाई। अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर में इंफाल घाटी में विभिन्न जिलों में गुस्साई हुई भीड़ ने बीजेपी के तीन और विधायकों और कांग्रेस के एक विधायक के आवास पर आग लगा दी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदर्शनकारियों ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पैतृक आवास पर भी धावा बोलने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अब इम्फाल की बात करें तो शनिवार को जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिसमें जिरीबाम जिले में तीन महिलाओं और तीन बच्चों के शव मिलने के बाद ही प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा था। इम्फाल घाटी के अलग अलग हिस्सों में कई हिंसक प्रदर्शन हुए थे और इसके बाद यहां अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि गुस्साई हुई भीड़ ने शनिवार को राज्य के तीन मंत्रियों, छह विधायकों के आवास पर हमला बोला और अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने निंगथोंगखोग में लोक निर्माण मंत्री गोविंद दास कैंथोजम और लैंगमीडोंग बाजार में हियांगलाम में बीजेपी विधायक वाई राधेश्याम, थौबेल जिले में वांगजिंग टेंथा के बीजेपी विधायक पावनोम ब्रोजेन और इम्फाल पूर्वी जिले में खुंद्राकपाम के कांग्रेस विधायक लोकेश्वर के घर पे आग लगा दी। घर की संपत्ति पर भी नुकसान हुआ है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गुस्साई भीड़ ने विधायकों के आवासीय परिसरों पर ही धावा बोल दिया था और संपत्ति में तोड़फोड़ की, घरों में आग लगाई। हालांकि राहत की बात यह थी कि इस दौरान विधायक और उनके परिवार के सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। सुरक्षा बलों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश यहां दे दिए गए हैं और गृह मंत्री ने शनिवार को ही कह दिया था कि मणिपुर में तैनात सभी सुरक्षा बलों को राज्य में व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से स्थिति नाजुक बनी हुई है। और इस नाजुक स्थिति को देखते हुए केंद्र ने गुरुवार को हिंसा प्रभावित जिरीबाम सहित राज्य के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी कि आफ्सपा को फिर से लागू कर दिया। इम्फाल घाटी में बसे मेईती और सीमावर्ती पहाड़ियों में बसे हुए जो कुकी हैं, ये दो वो समुदाय हैं जिनके बीच में ये जातीय हिंसा लगातार चल रही है और अभी तक 200 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हुई है, हजारों लोग इसमें बेघर हुए हैं। तो ये इस वक्त मणिपुर की स्थिति है जिस पर केंद्र सरकार एक्शन में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।